सर्च करें 10 टीवी चैनल पर, क्लिक करें रेड बटन पर, क्लिक करके फिर सब्सक्राइब करें लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तंजील अहमद और आप देख रहे हैं 10 टीवी। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बिटकॉइन क्या होता है और इसको किस तरह अर्न किया जाता है, और सारा मैं बिटकॉइन का आज प्रोसीजर आपके सामने रखूंगा और आपको ईजी वेज में समझाने की कोशिश करूंगा बिटकॉइन के बारे में। दोस्तों हो सकता है आपने बहुत सारी वीडियोज देखी हो, आपको ना समझ आई हो बिटकॉइन के बारे में, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिंपल वेज में बिटकॉइन के बारे में समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूं। तो आइए दोस्तों आज की जो वीडियो है इसको स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों हर मुल्क की एक करेंसी होती है जिसको वही मुल्क की गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। जिस तरह दोस्तों मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, यहाँ पर रुपया चलता है तो रुपये को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ही कंट्रोल करेगी। अगर उनको ज़रूरत पड़ती है नए नोटों को छापने की, वो अपने हिसाब से नए नोटों को छापेंगे, उसका सारा रिकॉर्ड उनके पास मौजूद होगा। लेकिन दोस्तों अगर मुझे किसी को 1 लाख रुपया देने की ज़रूरत पड़ जाती है, मैं बैंक के ज़रिए जाकर उसको 1 लाख रुपया देता हूँ, तो बैंक में पूरी मनी ट्रेल बनेगी और मेरा सारा रिकॉर्ड होगा बैंक के पास, और बैंक की जो फीस होगी वो भी कटेगी उसमें, और सारा हिसाब बैंक के पास होगा, यानी कि एक सर्वर के पास, बैंक के यानी कि सर्वर के पास वो डाटा सारा सेव हो जाएगा। अगर कोई मेरी मनी ट्रेल वहाँ से देखना चाहे तो इजीली मेरी मनी ट्रेल वहाँ से दे सकता है। लेकिन दोस्तों बिटकॉइन के केस में इस तरह की कोई भी चक्कर नहीं होता। दोस्तों बिटकॉइन को 2009 में बनाया गया था यही प्रोसीजर को ख़त्म करने के लिए। दोस्तों जब बिटकॉइन को बनाया गया था तो इसकी जो वैल्यू थी वो 1 डॉलर के पास थी, मतलब कि 1 बिटकॉइन 1 डॉलर के बराबर था। लेकिन दोस्तों आज की डेट में अगर हम इसकी बात करते हैं तो 1 बिटकॉइन पाकिस्तानी 12 लाख के करीब है। तो बिटकॉइन का जो रिकॉर्ड होता है वो किसी एक बंदे के पास या एक सर्वर के पास नहीं सेव होता है। दोस्तों अगर हम गूगल या फेसबुक की बात करते हैं, गूगल या फेसबुक का सारा डाटा एक सर्वर में सेव होता है, वहाँ से कंप्लीट इजीली जाकर रिमूव किया जा सकता है डाटा। लेकिन दोस्तों जो बिटकॉइन के केस में इस तरह नहीं होता है कि एक सर्वर के पास डाटा इसका सेव हो। दोस्तों जो बिटकॉइन रखते हैं हर बंदे के पास थोड़ा थोड़ा डाटा सेव होता है। इस तरह दोस्तों एक सर्वर से जाकर कभी भी इसका डाटा ख़त्म नहीं किया जा सकता बिटकॉइन का। दोस्तों इसमें अगर आपको किसी भी तरह का कोई टैक्स वगैरह नहीं देना पड़ता, कोई मनी ट्रेल नहीं आपकी बनती, किसी तरह का आपका डाटा नहीं सेव होता। अब हम बात कर लेते हैं कि बिटकॉइन को किस तरह कमाया जाए। दोस्तों इसके 2-3 तरीके हैं, वो सारे मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों एक तरीका तो ये है कि अगर आपके पास पैसे हैं, रुपया, अगर 12 लाख रुपया आपके पास मौजूद है तो आप किसी बंदे को दे दो तो वो उसके बदले में आपको 1 बिटकॉइन दे देगा, अगर उस बंदे के पास बिटकॉइन मौजूद है। तो दोस्तों इसके अलावा जो दूसरा तरीका है कि आपके पास कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट है, अगर कोई आपके पास प्रोडक्ट 12 लाख रुपए का है तो आप उसको ऑनलाइन सेल कर दो तो उसकी शक्ल में वो आपको 1 बिटकॉइन दे देगा। तो एक तो तरीका इसका ये हो गया। जो दोस्तों तीसरा तरीका है, इस तरीके के मुताबिक नए बिटकॉइन को भी जनरेट किया जाता है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। दोस्तों जब हम किसी को 1 लाख रुपया बैंक के ज़रिए देते हैं तो उसके बदले में बैंक क्या करता है, जो बंदा 1 लाख रुपया देता है उसका सारा डाटा वेरीफाई करता है। जब हम किसी को ऑनलाइन 1 बिटकॉइन देते हैं तो उस शक्ल में हमारा डाटा कौन वेरीफाई करेगा, क्योंकि दोस्तों इसको कोई कंट्री या कोई अथॉरिटी वगैरह तो इसको कंट्रोल नहीं करती, तो इसको वेरीफाई कौन करता है। तो दोस्तों इस शक्ल में क्या होता है कि थोड़ी सी मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम होती हैं वो क्रिएट हो जाती हैं। वो क्या करते हैं, मुख्तलिफ कंप्यूटर्स के ज़रिए मुख्तलिफ लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो जो बंदा जल्दी से इसको सॉल्व करके डाटा वेरीफाई कर देता है तो उस शक्ल में क्या होता है कि उस बंदे को थोड़ी सी बिटकॉइन मिल जाते हैं। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए आप सोच रहे होंगे शायद इस तरह का कोई कंप्यूटर हम इस लगाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह का कोई कंप्यूटर नहीं लगता, इसको बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं जिनकी मदद से उन मैथमेटिक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, तो उस बदले में थोड़े से बिटकॉइन मिल जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी ये इस तरह की करना चाहते हैं मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व, तो आप भी कर सकते हो। दोस्तों इसके लिए क्या होता है कि मुख्तलिफ कंप्यूटर चाहिए होते हैं। बाज़ औक़ात क्या होता है कि जो थोड़े से बिटकॉइन मिलते हैं उनसे ज़्यादा हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ जाता है। तो दोस्तों इस तरह हम इसको नहीं कर सकते, आम कंप्यूटर्स में इसको कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ कंप्यूटर्स चाहिए होते हैं जो कि काफ़ी हैवी होते हैं और उनको चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा बिजली का खर्च आ जाता है, जिससे आप इसको नहीं कर सकते। क्योंकि दोस्तों जो पैसे मिलेंगे वो बहुत ही थोड़े होंगे
और जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल होगा वो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो दोस्तों ये थे तरीके जो बिटकॉइन को अर्न करने के और बिटकॉइन को बारे में जानने के। उम्मीद करूँगा कि आपको पता चल गया होगा कि बिटकॉइन क्या होता है और इसको किस तरह अर्न किया जाता है। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अगर वीडियो में किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है या कुछ मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं या वीडियो में मतलब किसी भी तरह का आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। फाइनली दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।